दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड हैंड क्लॉथिंग की कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कस्टम ने क्या कस्टम वैल्यू फिक्स की है, क्या वैल्यू इसकी फिक्स की है, वैल्यूएशन रूलिंग क्या इन्होंने फिक्स की है सेकंड हैंड क्लॉथिंग की, यहाँ पाकिस्तान के अंदर पर केजी क्या वैल्यू चल रही है इसकी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, सो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और पाकिस्तान कस्टम्स डॉट नेट के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो का आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ये सिर्फ 9000 रुपये में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ये आपको बनाकर दे सकते हैं, और साथ में डोमेन और होस्टिंग ये बिल्कुल फ्री देंगे। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी हो तो इनको आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों सेकेंड हैंड क्लोथिंग, जिसको यूज क्लोथ भी कहते हैं हम लोग, सेकेंड हैंड क्लोथिंग कह लें या तो यूज क्लोथ कह लें, इनका जो HS कोड है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको HS कोड इसका बताता चलूं। HS पाकिस्तान के अंदर जो इसका HS कोड यूज हो रहा है वो है 6309.0000 है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे 6309.0000, तो इसका ये HS कोड है। और इस HS कोड के अगेंस्ट जो ड्यूटी टैक्सेस हमारे आ रहे हैं इसके सेकेंड हैंड क्लोथिंग के, कस्टम ड्यूटी जो है वो है इसके अंदर 3%, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है, सेल्स टैक्स 17% है, एडिशनल सेल्स टैक्स 3% है इसके ऊपर, और इनकम टैक्स अगर आप फाइलर हो 6%, तो अदरवाइज 9% है अगर आप नॉन फाइलर हो तो। सो दोस्तों ये ड्यूटी टैक्सेस हैं सेकेंड हैंड क्लोथिंग के ऊपर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कस्टम वैल्यू यानी वैल्यूएशन रूलिंग की, बात करते हैं सेकेंड हैंड क्लॉथिंग की, कि कस्टम ने क्या पर केजी वैल्यू फिक्स की है सेकेंड हैंड क्लॉथिंग के ऊपर। सो दोस्तों इसका जो वैल्यूएशन रूलिंग नंबर है वो है 762/2015, मतलब 2015 में इसकी वैल्यू फिक्स की गई थी, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, सेकेंड हैंड क्लॉथिंग और यहाँ पे HS कोड ये रहा, और ये ओरिजिन अगर आप साउथ कोरिया या जापान से अगर आप मंगवाते हो सेकेंड हैंड क्लोथिंग, सेकेंड हैंड क्लोथ जो है वो साउथ कोरिया या जापान से मंगवाते हो तो इसकी पर केजी US डॉलर वैल्यू इसकी होगी 0.7 US डॉलर पर केजी इसकी वैल्यू होगी जो आप क्लोथ मंगवा रहे हो यूज क्लोथ। अगर इसी तरीके से USA, कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप से मंगा रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी 0.4 US डॉलर पर केजी। इसी तरीके से फार ईस्ट एंड चाइना से अगर आप मंगवा रहे हो तो इसकी वैल्यू है 0.5। इसी तरीके से मिडल ईस्ट एंड गोल्फ स्टेट से मंगवा रहे हो तो उसकी वैल्यू 0.4 है, और से इसके अलावा अदर किसी अदर ओरिजिन मतलब अदर किसी मुल्क से मंगवा रहे हो जो ऊपर मेंशन है, इसके अलावा अगर मंगवा रहे हो तो उसकी वैल्यू है 0.4। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपके वीडियो के शुरू में, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा जो ड्यूटी टैक्सेस हमने यहाँ ये डाले हुए हैं तो ये कैसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने एक ये कैलकुलेशन की हुई, ये सिस्टम्स कैलकुलेटेड है वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया है कि हम 1000 किलो जो है सेकेंड हैंड क्लोथ हैं वो मंगवा रहे हैं 1000 किलो, और इसकी जो यूनिट प्राइस है क्योंकि हम USA से मंगवा रहे हैं, तो हमने जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि अगर हम USA से मंगवा रहे हैं तो हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि हम USA से मंगवा रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है 0.4 आ रही है, तो हमने यहाँ पर जो हमने यहाँ पर 0.4 हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि हम 1000 kg मंगवा रहे हैं और एक की वैल्यू है 0.4, तो मतलब $400 की हम सेकेंड हैंड क्लोथ जो है वो हम मंगवा रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीस में, तो ये होते हैं 48,600। मतलब 48,600 की अगर आप यहाँ मंगवा रहे हो टी शर्ट तो उसके ऊपर 22,800 रुपये की ड्यूटी टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या ड्यूटी टैक्सेस हैं इसके ऊपर, क्या HS कोड है, क्या वैल्यूएशन रूलिंग है, ये सब चीज़ें हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है इस वीडियो के अंदर। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है या समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ऊपर में घंटी के निशान के भी आप क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइम तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।